बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि हम बच्चों के लिए वैक्सीन गवर्नमेंट में लगाएं या प्राइवेट में लगाएं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे चैनल पे ये क्वेश्चन आया था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट वैक्सीन कैसे मिक्स करके लगवाएं जिससे सब वैक्सीन कवर हो जाए और कॉस्ट भी कम आए। और एक और क्वेश्चन और सिमिलर क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने ये पूछा है कि डॉक्टर जो वैक्सीन सरकारी में नहीं लगती क्या उसे हम प्राइवेट में लगवा सकते हैं। देखिए ये जो सिचुएशन है ये बहुत सारे पेरेंट्स के साथ होती है। मेरे क्लिनिक पे भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिन्होंने गवर्नमेंट में बहुत सारे वैक्सीन बच्चों को लगवाए हैं और सारे वैक्सीन गवर्नमेंट से लेते हैं, बट उनको लगता है कि अगर प्राइवेट में कुछ एक्स्ट्रा वैक्सीन लगते हैं तो वो जरूर अपने बच्चों को उन डिजीज के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जो एडिशनल वैक्सीन प्राइवेट में अवेलेबल है। तो इस सिचुएशन को मैं अपने क्लिनिक पे कैसे हैंडल करता हूँ और इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन से वैक्सीन मिलते हैं और कौन से एडिशनल वैक्सीन जो गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है उनको लगाना जरूरी है कि नहीं, अगर लगाना है तो बच्चों को किस एज में लगाना है, मान लीजिए अगर देरी हो जाती है तो हम कितने दिन के बाद भी लगा सकते हैं, ये सारी डिस्कशन में इस वीडियो में एक क्लियर इन्फॉर्मेशन सभी पेरेंट्स को देना चाहता हूँ। आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीन लगाते हो और प्राइवेट से एडिशनल वैक्सीन लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है क्लियर हो जाए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जैसे कि इति अवस्थी जी ने बताया कि ये वीडियो कहीं पूरे यूट्यूब में नहीं है कि जो गवर्नमेंट वैक्सीन अगर ले रहे हैं तो एडिशनल प्राइवेट वैक्सीन कब लेना चाहिए। वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने गवर्नमेंट के वैक्सीन और प्राइवेट वैक्सीन को आपस में कंपेयर करके दिखाया था कि कौन से वैक्सीन एक्स्ट्रा लगते हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने बताया था कि ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बट आज मैं आपको प्रैक्टिकली गाइड करूंगा कि कैसे मैं अपने क्लिनिक पे बच्चों को गाइड करता हूं जो गवर्नमेंट में सारे वैक्सीन लेते हैं और उनको एडिशनल वैक्सीन के लिए मैं कैसे हेल्प करता हूं, और उनको एडिशनल वैक्सीन जो कि गवर्नमेंट में नहीं मिल रही हैं और सिर्फ प्राइवेट में मिलती हैं उनके लिए मैं कैसे उनको लगाता हूँ अपने क्लिनिक पे और कैसे पेरेंट्स की मदद करता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि 5 ऐसे वैक्सीन हैं जो गवर्नमेंट में नहीं मिलते हैं और प्राइवेट में अवेलेबल हैं। बट उसके पहले मेरी आपको यही रिक्वेस्ट है कि जो भी वैक्सीनेशन आपको अवेलेबल है, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, डेफिनेटली जो गवर्नमेंट में वैक्सीन अवेलेबल है वो सारे वैक्सीन आपको अपने बच्चे को लगवाने हैं गवर्नमेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट का जो वैक्सीन कार्ड आता है बर्थ के टाइम पे जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है गवर्नमेंट सेंटर में, तो वो कार्ड आपको मिलता है, उसके अकॉर्डिंग सारे वैक्सीन लगाने हैं। गवर्नमेंट वैक्सीन फ्री है और वैक्सीनेशन से बच्चों को बहुत फायदा होता है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट में जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो आपको लगाना ही है। और प्राइवेट वैक्सीन जो मैंने बताया कि प्राइवेट सेटअप में जो मिलता है उसमें जो गवर्नमेंट के वैक्सीन है वो सारे मिलते हैं। शेड्यूल में थोड़ा सा 19-20 डिफरेंस है, बट 5 ऐसे मेजर वैक्सीन हैं जो गवर्नमेंट में नहीं मिलते और प्राइवेट में लगाए जाते हैं, उसके बारे में मैं 1 by 1 डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए 5 जो वैक्सीन है वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 जो वैक्सीन है वो है फ्लू वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन। नंबर 2 वैक्सीन टाइफॉइड की वैक्सीन होती है। नंबर 3 है हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन। नंबर 4 है चिकन पॉक्स की वैक्सीन और नंबर 5 है HPV की वैक्सीन। तो मैं इन सब के बारे में डिटेल्स में समझाऊंगा। अभी आप स्क्रीन पे साइड बाय साइड गवर्नमेंट और प्राइवेट की चार्ट दे सकते हैं। मैं इस वीडियो में गवर्नमेंट और प्राइवेट की चार्ट को पूरा कंपेयर नहीं कर रहा हूं, उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट वैक्सीन का पूरा कंपेरिजन का चार्ट और वीडियो पूरा बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। बट मैं सिर्फ ये बताने वाला हूं कि जो एडिशनल 5 वैक्सीन हैं वो किस एज में, जो प्राइवेट शेड्यूल है जो कि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो कि बच्चों की डॉक्टर्स की इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के हेल्थ के रिगार्डिंग डॉक्टर्स को एडुकेट या उनको गाइडलाइंस इशू करती है, उनकी जो गाइडलाइंस है IAP की, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की जो गाइडलाइंस है उनके अनुसार जो प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चों को वैक्सीन लगती है उसमें जो मैंने 5 एडिशनल वैक्सीन बताए हैं उनके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बात करूंगा। तो जो पहली वैक्सीन जो गवर्नमेंट में नहीं मिलती है वो है इन्फ्लुएंजा, मतलब फ्लू की वैक्सीन। फ्लू से सर्दी खांसी और तेज बुखार आना और दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जो फ्लू की वैक्सीन है ये गवर्नमेंट शेड्यूल में नहीं होती और प्राइवेट शेड्यूल में 6 मंथ में इसका फर्स्ट डोज लगता है और 7 मंथ में इसका 2 डोज लगता है। और फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में 2 डोज लगने के बाद हर साल इसको 5 साल के तक, जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता, साल में 1 बार मॉनसून सीजन के पहले लगाने की IAP की रिकमेंडेशन है। 5 साल से बड़े बच्चों के लिए इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन ऑप्शनल है। जनरली 5 साल से बड़े बच्चों को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन तब लगाई जाती है जब उनको हाई रिस्क माना जाता है इन्फ्लुएंजा कॉम्प्लिकेशंस के लिए। तो इसके लिए आप अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करके उनसे गाइडेंस लेके 5 साल से बड़े बच्चों को चाहे तो लगा सकते हैं। ये हो गई फ्लू की वैक्सीन। तो फ्लू की वैक्सीन अगर आपने कभी नहीं लिया है तो 2 डोज लेने होंगे आपको प्राइमरी, और 5 साल से अगर आपका बच्चा कम है तो प्राइमरी 2 डोज के बाद
नेक्स्ट ईयर से आपको हर साल एक एक डोज करके साल में लेना पड़ेगा। तो ये हो गया पहला वैक्सीन। दूसरा वैक्सीन जो टाइफॉइड है उसकी जो डोज है वो सिंगल डोज होती है, 6 to 9 months के एज में बच्चों को दी जाती है। और वो टाइफॉइड वैक्सीन, आप जानते हो टाइफॉइड जो है वो बहुत कॉमन बीमारी है इंडिया में, जिसकी वजह से बच्चों को लूज मोशन और फीवर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। काफ़ी कॉमन डिजीज है टाइफॉइड, हम सभी ने टाइफॉइड का नाम सुन रखा है और ये सीरियस प्रॉब्लम भी कर सकता है। टाइफॉइड के वैक्सीन तो बच्चों को प्राइवेट शेड्यूल में 6 to 9 months में दिया जाता है। अगर आपने पहले नहीं लिया, उस टाइम पे आपका मिस हो गया है, तो बाद में भी आप कैचअप शेड्यूल में पीडियाट्रिशियन से बात करके वो टाइफॉइड की एक सिंगल डोज वैक्सीन ले सकते हैं। टाइफॉइड वैक्सीन की जो पहली डोज है वो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की जो प्राइवेट वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसमें 6 to 9 months में रिकमेंडेड है। और जो टाइफॉइड की बूस्टर है वो 2 साल के बाद आप चाहे तो एक डोज ले सकते हैं अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करके। नंबर 3 वैक्सीन जो गवर्नमेंट सेटअप में नहीं अवेलेबल है वो है हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन। हेपेटाइटिस ए एक वायरस है जो बच्चों में लिवर में इन्फेक्शन करता है और जॉन्डिस करता है। हेपेटाइटिस ए एक ऐसा वायरस है जो एक्यूट लिवर फेलियर, मतलब बच्चों के लिवर फेलियर का इंडिया में सबसे कॉमन कारण है। और इसकी भी वैक्सीन जो होती है वो 1 ईयर के एज में लगाई जाती है। इसमें 2 टाइप के वैक्सीन होते हैं। अगर आपने हेपेटाइटिस ए का लाइव वैक्सीन लगाया है तो एक सिंगल डोज में हो जाता है, वेयर एज जो हेपेटाइटिस ए की किल्ड वैक्सीन है उसके 2 डोजेज लगते हैं। जो पहला डोज है उसके 6 महीने बाद दूसरी डोज लगाई जाती है। अब जो 4th वैक्सीन है वो चिकन पॉक्स की वैक्सीन है। चिकन पॉक्स को मेडिकल साइंस में हम वैरिसेला के नाम से जानते हैं। और चिकन पॉक्स की वैक्सीन जो रेगुलर आईएपी की शेड्यूल है उसमें 15 मंथ्स पे फर्स्ट डोज लगाई जाती है और सेकेंड डोज फर्स्ट डोज के 3 महीने बाद 18 से 19 महीने के एज पे लगाई जाती है। सिमिलरली अगर आपने बच्चों को चिकन पॉक्स का वैक्सीन उस पर्टिकुलर एज में नहीं लगाया है जिसमें आईपी से जो जिस एज में लगाना था, तो बाद में भी आप 2 डोज चिकन पॉक्स वैक्सीन लगा सकते हैं। फाइनली जो 5th वैक्सीन है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, मतलब जिसको हम सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के नाम से जानते थे। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है बच्चों को 9 to 14 years के लिए एज में लगाई जाती है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है अभी कुछ दिन पहले तक सिर्फ गर्ल्स के लिए रिकमेंडेड थी। 9 to 14 years की गर्ल के लिए 2 डोज जरूरत था, एक 0 डोज और उसके 6 महीने बाद सेकेंड डोज। बट रिसेंटली जो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने गाइडलाइंस अपडेट किए हैं उसमें देखा यह गया है कि HPV के वजह से बॉयज को भी बहुत सारे इन्फेक्शन और कुछ तरह के कैंसर्स होने के चांस होते हैं। इसलिए जो रिसेंट अपडेट आया है 2024 की जो गाइडलाइंस आ गई हैं उसमें ये रिकमेंड किया गया है कि 9 to 14 years में सभी बच्चों को, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को, 2 डोज HPV वैक्सीन के लगाए जाए, एक 0 डोज और एक 6 मंथ की। अगर बच्चे को 9 से 14 साल के उम्र में HPV की वैक्सीन नहीं लगी है तो 15 साल से बड़े बच्चों को भी HPV की वैक्सीन लगाई जा सकती है। बट 15 साल से बड़े बच्चों को जो वैक्सीन है उसके 3 डोजेज लगते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझा दिया है कि टोटल 5 वैक्सीन होते हैं। एक होता है इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, एक होता है टाइफॉइड, फिर हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स और HPV। अभी इंडिया में ये 5 वैक्सीन सिर्फ प्राइवेट सेटअप में अवेलेबल है बच्चों के लिए। अगर आप शुरू से ही अगर गवर्नमेंट में ले रहे हैं तो जैसे मैंने बताया 6 और 7 मंथ में इन्फ्लुएंजा की डोज आती है और 6 to 9 months के बीच में आप कभी भी टाइफॉइड ले सकते हो। जब बच्चा 1 साल का है तो आप हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन ले लें, जब 15 महीना का हो तो उसमें चिकन पॉक्स की वैक्सीन ले लें। हेपेटाइटिस ए की जो सेकेंड डोज है वो फर्स्ट डोज के 6 मंथ के बाद लगती है और चिकन पॉक्स की जो सेकेंड डोज है वो फर्स्ट डोज के 3 महीने बाद लगती है। और जो फाइनली जब बच्चा 9 से 14 साल का होता है तो उसमें आप HPV की वैक्सीन ले सकते हैं। तो इस टाइम फ्रेम के अगर आप आइडियली फॉलो कर रहे हो तो गवर्नमेंट और प्राइवेट शेड्यूल में मैच करके आप दोनों का फायदा ले सकते हैं। जो गवर्नमेंट में फ्री में अवेलेबल है उसको गवर्नमेंट में ले सकते हैं, जो प्राइवेट शेड्यूल है वो प्राइवेट में जाके किसी भी अच्छे पीडियाट्रिशियन से मिलेंगे तो आपको गाइड कर देंगे और सारे वैक्सीन लगा देंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो मैंने बताया इस वीडियो में वो सारे जो भी हैं 2023-24 के अपडेटेड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हैं। फ्यूचर में कभी भी वैक्सीन्स की गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं, तो उस टाइम पे जो भी चेंजेस हो वो आप अपने पीडियाट्रिशियन के साथ डिस्कस करके वैसे ही वैक्सीन ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चन पेरेंट्स का आता है कि मान लीजिए मेरा बच्चा 4 साल का हो गया है और जो भी हमने वैक्सीन लगाए हैं सारे गवर्नमेंट में लगाए हैं तो प्राइवेट शेड्यूल वाले कोई भी वैक्सीन बच्चे को नहीं लगे। तो देखिए इसमें कैचअप वैक्सीनेशन होता है और कैचअप वैक्सीन के कुछ रूल्स होते हैं, बट जनरली जो मैंने बताया उतने ही डोजेस बच्चों को फिर हम लेटर ऑन भी लगा सकते हैं तो उनकी प्रोटेक्शन तब से शुरू हो जाएगी।
जब से हम उनको वैक्सीन लगा देते हैं। तो देखिए ये जो कैचअप शेड्यूल है उसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए काफ़ी, आप पेरेंट्स के लिए समझना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए कैचअप शेड्यूल के लिए आप चिंता ना करें, परवाह ना करें, इतनी ही डोजेज लगती हैं जैसे मैंने बताया था, और आप किसी भी अच्छे पीडियाट्रिशियन से मिलेंगे तो वो आपको जो कैचअप शेड्यूल है उसके हिसाब से गाइड करके बच्चों को सारे जो पाँचों वैक्सीन मैंने बताया था वो लगाया जा सकता है, इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे जो पेरेंट्स हैं इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि हमने गवर्नमेंट में लगाया है तो हमारे प्राइवेट के वैक्सीन जो एडिशनल वैक्सीन है वो मिस हो गए हैं, उनको भी इसका सॉल्यूशन मिल गया होगा कि ये पांच वैक्सीन अगर हम लगा लेते हैं तो हमारे बच्चों को वो भी प्रोटेक्शन मिल जाती है जो हम अगर पूरा प्राइवेट में लगाते हैं तो उससे मिलती है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है और बहुत सारी कॉस्ट की भी सेविंग हो जाती है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो की जानकारी से आपको कोई भी मदद मिली है तो दूसरे पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आगे चल के भी हम बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाले हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है, किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।